नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं वी एक्सपर्ट न्यूज। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी ने एक विवादित बयान दिया है। उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ से एक मांग की है। मांग है कि गांजे की बिक्री को कानूनी मान्यता दी जाए। जी हां, सांसद ने यह भी कहा कि कुंभ के मेले में गांजे का बड़ा पैमाने पर इस्तेमाल होता है। क्या बयान दिया अफजाल अंसारी ने, जानने के लिए यह देखे पूरा वीडियो। अपने बाबा मुख्यमंत्री से कहिए ये नई शराब की दुकानों को बंद कराएं। किस धर्म में कहा गया है कि शराब की दुकानों का विस्तार कीजिए, इसको बंद करें। कानून बना देंगे आप बैठ के। गांजा अवैध है कि नहीं है? आप सबसे प्रार्थना पूछ रहे हैं, गांजा अवैध है? अवैध काम करते समय अगर कोई टीवी पे दिखाई दे तो जेल चला जाएगा कि नहीं? हजारों घटनाएं हैं, फला के हाथ में बंदूक है, फला के हाथ में कट्टा है, फला के हाथ में कोई चीज है, अवैध है, उसके यहां बाद में पुलिस पकड़ के चाल कर देगी। हम आपसे पूछ सकते हैं, आप बताइए ये गांजा को हम कहते हैं क्या? आप कानून का दर्जा देके इसे वैध कर दो, लेकिन कानून का इतना बड़ा माखोल क्यों लाते हो? लाखों करोड़ों की संख्या में गांजा पीने वाले लोग खुलेआम गांजा पीते हैं, पूरी पूरी महफिल लगा के गांजा पीते हैं, बड़े बड़े धार्मिक आयोजनों में लोग गांजा पीते हैं, उसे भगवान का प्रसाद और बूटी कह करके पीते हैं। तो भगवान का प्रसाद और बूटी है तो अवैध क्यों है भाई? ये दोहरी नीति क्यों? अगर वो भगवान का प्रसाद है, भगवान की बूटी है, तो उसको कानून में मान्यता दो। कानून में अवैध और पीने के लिए छूट, भका भक। हम कह रहे हैं, लुका के क्यों पी रहे हैं? ये देश प्रदेश की राजधानी में भका भक एक एक तलवार निकल जा रही है। गाजीपुर जिले में भी वही हो रहा है। कौनो मठ में चलो ना, हमारा संग, हम दिखा दे। हम कह रहे हैं कि अगर भगवान शंकर की वो बूटी और प्रसाद है, भांग को क्या समाज में किस तरह से तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत किया जाता है? भांग साहब एकदम, ये तो प्रसाद बात। अब भांग का लाइसेंस मिलेगा, लेकिन गांजा का तो लाइसेंस भी नहीं है। ये ऐसी अवैध चीज है, लाखों करोड़। अभी कुंभ लगने जा रहा, कुंभ लगने जा रहा ना, एकाध मालगाड़ी भी अगर चली जाएगी गांजा की तो खत्म हो जाएगी, वो भी खत्म हो जाएगी। कानून बनाइए तो उसका सम्मान कीजिए उस रास्ते से, और या तो उसको छूट प्रदान करिए। हमारी मांग है कि बहुत सारे साधु संत महात्मा और बहुत सारे समाज के लोग गांजा बड़ा शौक से पीते हैं और कहते हैं लोग साहब इसको पीने से भूख भी लगती है, स्वास्थ्य के लिए भी ठीक है, तो इसको हमारी मांग लगा के आप न्यूज चला दीजिए। कि मेरी ये मांग है कि इसको कानून का दर्जा दे दो भैया। ऐसी तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।